तो सूरत में राम मंदिर ने लेने लोग में एक अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। हवे एक महिला आर्टिस्ट साथे 10 गर्ल्स द्वारा मॉल में अयोध्या में बनी रहे राम मंदिर ने आबेहूब प्रकृति की रंगोली बनावामां आवी छे। आ साथे ज राम अने हनुमानजीनी साथे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नी पण रंगोली बनावामां आवी छे। तो दिवाळी पर्व ने लईने हाल रंगोळीनो खूब ज महोत्सव होय छे अने त्यारे लोकोमां लक्ष्मी सहित विविध रंगोळी बनावी पोतानुं आगळुं सुशोभित करवा माटे होय छे। तो त्यारे सूरत मकामे अंजलि सालुके नामना महिला आर्टिस्ट साथे अन्य 9 जेटली छोकरीओ मळीने आ रंगोळी 24-25 कलाकमां बनाववामां आवी छे, जेमां एक सौथी नानी 10 वर्षनी बाळकीनो पण समावेश थाय छे। आ रंगोळी बनाववामां 18-20 કિલો જેટલા કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। આ સાથે જ 12 જેટલા કલરને મિક્સ કરીને તેનો શેડ બનાવવામાં આવ્યો છે। આ રંગોળી મોલના પાટંગણમાં 150 સ્ક્વેર ફૂટમાં બનાવવામાં આવી છે। તો આ રંગોળી 15 દિવસ સુધી જોઈ શકાશે અહીંયા શ્રી રામ મંદિરની આબેહૂબ પ્રકૃતિ બનાવાય છે। તો સાથે જ સંકટ મોચન હનુમાનજી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની પણ રંગોળી કંડારવામાં આવી છે। हमें ये बनाने के लिए 25-26 आवर्स लगे और ये हमने राम मंदिर के ऊपर एक 3D रंगोली बनाई है ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सके कि राम भगवान और वो जब अयोध्या वापस लौटे थे दिवाली के टाइम पे, हम दिवाली क्यों मनाते हैं। कितना समय लगा था आपको? 25-26 घंटे। क्या कहना चाहोगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो रंगोली हमने बनाई है वो हमने 9-10 गर्ल्स को मिलके बनाई है और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी। मैम जो है वो हमें एक स्टेज देते हैं ताकि गर्ल्स आगे जाके अपना एक करियर बना सके रंगोली में। हमने राम भगवान के अयोध्या वापस आने के लिए हमने अयोध्या की 3D राम मंदिर की थीम से बनाए और ये रंगोली हमने पूरी करने में 3.5 दिन लगे हैं, 24-25 घंटे। और कितनी रंगोली इसमें प्राप्त की गई थी और कितना किलो लगा हुआ है? 22-23 किलो कलर यूज किए हैं और 6 बेसिक कलर से हमने बहुत सारे शेड्स करके ये रंगोली पूरी की है। हमने लगभग 24-25 कलाक लाग्या छे अने मने विचार एना माटे आव्यो के आपणो जान्युआरीनी 22 तारीखे जे अयोध्यामां राम मंदिर तैयार थवानुं छे एटले नरेन्द्र मोदी त्यां આપણી સ્થાપના થવાની છે રામ મંદિરની, રામજીની, એટલે અહીંયા એટલે અમને એ વિચાર આવ્યો કે આપણે રામ મંદિર 3Dમાં ઊભું કરીએ। યોગીજી છે, નરેન્દ્ર મોદી છે, એવી રીતે અમે આ આખો કોન્સેપ્ટ ઊભો કર્યો છે ને અમને લગભગ 24-25 કલાક લાગ્યા છે અને અમે 12 કલરમાંથી લગભગ અલગ અલગ બધા શેડ બનાવીને આ રંગોળી તૈયાર કરી છે। આ અમારા રંગોળી લગભગ 25-26 કિલો જ લાગી છે અને લોકોને ખૂબ જ ગમ્યું છે ને એમાં અમારા ધારાસભ્ય શ્રી પૂર્ણેશ મોદીજી પણ આવેલા ને એમને પણ ખૂબ જ ગમી છે। એમને તો એટલું પણ કીધું છે કે આ ફોટો પાડીને અમે નરેન્દ્ર મોદી સુધી પહોંચાડીએ। इस रंगोली को देखने को मैं तीसरी बार आई हूँ। स्पेशल इतनी सुंदर है इसके अंदर कला और इतनी आबेहूब लग रही है जैसे भगवान श्री राम धरती पे प्रकट होके आए हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बहुत ही कला है इसके अंदर और ऐसे लग रहा है कि अपनी भूमि के ऊपर वो खुद आज ऐसे खुश हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। उनके देख के, उनके फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि सच्ची में आबेहूब जैसे भगवान रामचंद्र जी धरती पर उतर आए हैं। हम लोग यहाँ पे राहुल राज मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए थे तो ऊपर से मैंने देखा कि यहाँ पे रंगोली बनाई हुई है, बहुत ही बड़ी है और विशाल है और एकदम सच में जैसे कि भगवान श्री राम जैसे प्रसन्न हुए यहाँ पे राहुल राज मॉल में, वैसा ही लग रहा है। आप देख सकते हो वो हिसाब से यहाँ पे मोदी जी का भी रंगोली बनाया हुआ है और योगी जी का भी रंगोली बनाया हुआ है तो उनका भी इस अयोध्या में योगदान है। तो अयोध्या जैसे बना रहे हैं वैसे ही एकदम परफेक्ट है। तो आने वाले 24 तारीख को अयोध्या को घूमने में तो क्या होगा? 24 जनवरी 2024 में जैसे यहाँ पे अयोध्या में नवनिर्माण का कार्य चल रहा है तो सब लोग वहाँ पे जाना चाहिए। आप लोग को मेरी यही संदेश है।